एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रियासी के तहसील चसाना तुल्लीबन्ना इलाके में जहां दो मिलिटेंटों को जो कहीं ना कहीं ट्रैप किया गया, उसके चलते अभी की एक बड़ी अपडेट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आतंकवादी जो है वो मार गिराया गया और एक पुलिस कर्मी भी जो जख्मी बताया जा रहा है। इसमें लगातार अपडेट की हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले एक अपडेट मिली थी कि दो आतंकवादियों को एक घर में जो है ट्रैप किया गया। कहीं ना कहीं ये जानकारी जो है उन्हीं के परिवार के लोगों ने जो है घर से बाहर निकल कर दी थी। उसके बाद कॉर्डन लगाया गया, पूरे घर को सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। उसके बाद चलते फायरिंग एक तरफा हुई, उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग एनकाउंटर जो है शुरू हो चुका है। एडीजीपी जम्मू की मुकेश सिंह की बात करेंगे, लगातार उन्हें अपडेट देते हुए कहा था कि एनकाउंटर लगभग अब से 4 से 5-10 मिनट पहले जो एनकाउंटर जो है शुरू हो चुका था। एनकाउंटर के चलते एक आतंकवादी को जो है मार गिराया गया और दूसरा जो है एक पुलिसकर्मी भी कहीं ना कहीं जख्मी हो चुके हैं। और घर के अंदर ये बताया जा रहा है कि एक आतंकवादी और होने की आशंका जो है बताई जा रही है। एनकाउंटर अभी तक लगातार जारी है। आप मेरे साथ ये विजुअल्स देख रहे हैं, ये वहीं डिस्ट्रिक्ट रियासी के तहसील चसाना तुल्लीबन्ना के विजुअल्स हैं, जहाँ पे एक घर में जो है दो आतंकवादियों को कहीं ना कहीं ट्रैप किया गया है और लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा जो है इसको उनकी जो साजिशों को है नाकाम करने की जो पूरी कोशिश की जा रही है। ये सूचना दी गई थी कि कुछ समय पहले वो घर के अंदर घुसे थे और उसके बाद यही सूचना जो है कुछ इन्हीं के परिवार के लोगों ने जो है बाहर निकल कर दी थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी की टीम जो वहाँ पर पहुँची है, पुलिस चसाना की टीम वहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है, मोर के डीएसपी साहब वहाँ पर पहुँच चुके हैं, उसके बाद आर्मी के जवान, आर्मी की टीम और स्पेशल वीडीसी जो विलेज डिफेंस कमेटी बनाई जाती है उनके भी कुछ लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मौके पर जो घेराबंदी कर दी गई है, कॉर्डन लगा दिया गया, अभी तक जो है एक आतंकवादी जो है मार गिराने की जो है अभी तक सूचना जो है अपडेट हम अब तक लेकर साझा हुए थे। नए अपडेट के लिए देखते